आदर्श शिक्षा समिति श्रीरंग द्वारा आयोजित आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा पंचमी की गणित के विषय में पढ़ेंगे। इसकी जो प्रश्नावली है वो दो है और इसका जो प्रकरण है वो घटाना। इससे पहले अपन ने जो बाकी है गुणा है, स्थानीय मान है, आरोह क्रम है, अवरोह क्रम है, ठीक है ना, वो सब पढ़ा है। छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ठीक है ना, अपने उसका अभ्यास भी किया है और आपने वो सब अपनी कॉपी के अंदर हल किया होगा। और जो सवाल पाठ्य पुस्तक में है वो भी आपने हल करने का पूरा प्रयास किया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं घटाना। अब जैसा आप जानते हैं कि घटाना क्या होता है, आपने द्वितीय के अंदर तृतीय में चतुर्थी में पढ़ा है। घटाना यानी कि बाकी करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। अब उसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, जहां पर ये चिन्ह आता है वहां आपको घटाना है, माइनस करना है। कहीं पर लिखा होता है 9-3, तो ये संकेत दे रहा है कि यहां पर आपको घटाना है। गणित के अंदर जितने भी निशान है, जोड़, भागी, गुणा, भाग, चिन्ह का आपको ज्ञान होना जरूरी है। जब चिन्ह का आपको ज्ञान होगा जब ही आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। अब यहां देखेंगे आप घटाना करते समय आप एक बात का ध्यान रखना है कि कोई संख्या है, मान लो 2 है और यहां पर 9 है, ऊपर वाली छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो अपन 2 में से 9 नहीं घटा सकते। लेकिन इसको घटाने के लिए अपन यहां से हासिल ले सकते हैं, पास वाले से हासिल लेंगे इसको हल कर सकते हैं। पास वाले से हासिल लेंगे तो 2 है इसके 12 हो जाएंगे, अभी 12 में से 9 आप आराम से घटा सकते हैं। घटाना भी 2 प्रकार की होती है, एक साधन बाकी होती है, एक हासिल वाली बाकी होती है। पॉसिबल यह क्या करते हैं, साधारण बाकी कर लेते हैं, साधन घटाना वो तो हल कर लेते हैं, लेकिन उनको घटाना है, हासिल वाली बाकी है वो उनको नहीं आती है। उसके लिए उनको अभ्यास करना है, हासिल किस प्रकार लेनी, किस प्रकार लगानी, और यदि हासिल लेंगे तो आगे वाली संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी आपको दिमाग के अंदर पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन एक बाकी हल करेंगे। देखिए यहाँ पर घटाना है 3944 में से घटाने हैं 907। देखिए यहाँ पर ऊपर चार अंकों वाली संख्या है और जो घटाने वाली संख्या है वो है 907, यानी कि 3 अंकों वाली संख्या है। इसमें ध्यान रखेंगे इकाई के नीचे इकाई का अंक, दाई के नीचे दाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा अंक। देखेंगे घटाएंगे यहाँ पर, देखेंगे पहले ये इकाई के नीचे इकाई का अंक 7, 0 और 9907 लिख दिया। अब यहां पर घटाएंगे अपन, क्योंकि यहां पर अपने चार अंकों की संख्या नीचे 907 है, 3 अंकों वाली संख्या लिखी है। अब घटाएंगे 4 है, 4 में से 7 नहीं जाते, ये 4 लिख दिए, 7 नहीं जाएंगे तो यहां हासिल लेंगे तो हो गए 14। अब 14 में से 7 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, सबसे सरल तरीका है हमारा, यहाँ पर 14 हुए तो 14 लाइन किस्त होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 लाइन किस्त। अब जो संख्या घटानी है 7 घटाने हैं तो 7 लाइन काट देंगे, मान लीजिए 4 घटाने तो 4 लाइने काट देंगे, यहाँ पर 7 लाइन काट देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काट दी। अब यहाँ शेष कितने रहे वो गिनेंगे, अब शेष लाइन रही वो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रही तो यहाँ 7 लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे कि अपने यहाँ से हासिल यहाँ क्या प्रभाव पड़ा, या ये प्रभाव पड़ा कि ये जो संख्या है एक कम हो गया तो यहाँ पर 3 हो गई, 3 शेष रह गई। अब यहाँ पर 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही रहेंगी। अब देखो आगे ये 9 है, 9 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 रहेगा और यहाँ पर 3 है, 3 के 3 नीचे उतरेंगे। यहाँ पर अपने बाकी की इसका उत्तर आया 3 4 37,
इस प्रकार से आपको जो शेष बाकी है घटाना है वो हल करनी है। अब देखिए दूसरा सवाल, भारतीय अंकों की घटाव। मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आपको एक से दस तक भारतीय अंक लिखना आते हैं तो आप इसकी जो जोड़ है बाकी है गुणा भाग सब कर सकते हैं। अपन को भारतीय अंकों का ज्ञान जरूरी है क्योंकि ये जो है अपनी पुरातन संस्कृति की लिपि है। आज की जो गणित है वो इसी लिपि पर टिकी हुई है, ठीक है ना। आपको तो भारतीय अंक है इनका ज्ञान अति आवश्यक है। अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर इसी अंकों के अंदर जो है बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। जब आपको एक सौ दस तक गिनती आएगी तो आप सौ तक इसकी गिनतियाँ भी लिख सकते हैं और इसके जो है जो सवाल है वो भी हल कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जो है घटाव है 6324 में से घटाना है 5816। तो देखेंगे यहाँ पर ये चार है, चार में से छः नहीं जाएंगी तो क्या होगा, आसिन ली 14 होगी। 14 में से आपको जो है वो घटाने हैं, 6 घटाने हैं, 14 में से 6 जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 14 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 6 घटाने हैं तो 6 लाइन उल्टा देंगे, 1 2 3 4 5 6 उल्टा दी, आप कितने शेष है वो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर कितने रहे, 8 शेष रहे तो 8 लिख दिए। अब यहाँ पर कितना रहा, 1 रहा, 1 में से 1 घटाना है तो यहाँ पर रहा 0। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, ये 3 है। अब 3 में से आपको घटाने हैं 8 तो 8 ले जाएंगे, ये 3 है 3 में से 8 घटाएंगे ले जाएंगे, 81 ले लिए होंगे 13। अब 13 में से 8 घटाएंगे तो जो है वो यहाँ पर रहेंगे 5 रहेंगे। और यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पर 6 है, 6 में से 1 दे दिया तो यहाँ पर रहे 5, 5 में से 5 दे दो 0। इस प्रकार से जो है आपको जो है भारतीय अंकों की जोड़ घटाव करनी है। ये बाकी जैसी है अंतर्राष्ट्रीय अंकों की जो जैसे घटाना होता है वैसी की वैसी है, लेकिन आपको इसका जो अंकों का ज्ञान है वो आना चाहिए। अब देखिए आगे वाला सवाल, तीसरा सवाल, मोहन के पास 10,000 रुपये हैं, उसने 45 रुपए के गेहूं खरीदे तथा 1600 रुपए के चावल खरीदे, बताओ अब उसके पास कितने रुपए शेष रहेंगे। मान लीजिए आप 1000 रुपया लेके बाजार जाते हैं, 1000 रुपये लेके बाजार जाते हैं, आपने बाजार से मान लीजिए 100 रुपए के चावल खरीद लिए, ठीक है, और 50 रुपए की शक्कर खरीद ली आपने, उसके बाद में आपने 100 रुपए का तेल खरीद लिया, ठीक है, और आपने 20 रुपए की पेन खरीद ली। अब आप खुद देखेंगे कि आप बाजार गए थे, आप 1000 रुपए लेके गए हैं और आपने 100 रुपए के चावल, 50 की शक्कर, 100 का तेल और 20 की पेन खरीद लिए। अब मान लीजिए आपने घर वालों ने आपको पूछ लिया कि आप बाजार गए थे और आपने 1000 रुपए लेके गए थे, बताओ कितने रुपए शेष आपके पास रहे, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे देखेंगे मैंने बाजार में हिसाब लगाएंगे, लिखेंगे मैंने इतने रुपए का सामान खरीदा, अब इतने रुपए का सामान खरीदा, मान लीजिए 100 और 100 200 हो गए, 200 और 50 यानी 270 रुपए हो गए, तो क्या करेंगे आप 1000 के अंदर से 270 घटा देंगे तो कितने रुपए शेष है वो आपके पास आ जाएगा। आप देखेंगे आप यहाँ पर इस सवाल को अपन हल करते हैं। अब लिखेंगे मोहन के पास कुल रुपए, मोहन के पास कुल रुपए हैं यहाँ पर कितने हैं, 10,000। मोहन के पास कुल 10,000 रुपए हैं। अब उसने कितने खर्च किए, अब मोहन ने कुल कितने खर्च किए तो क्या करेंगे, जो खर्च किए वो एक बार जोड़ेंगे। एक तो उसने क्या खरीदा है, गेहूं खरीदे हैं बराबर 4500 रुपए के, ठीक है, और उसने चावल खरीदे हैं 1600 रुपए के, तो जो खर्च किया वो क्या करेंगे जोड़ देंगे, जीरो का जीरो
और जीरो का जीरो, जीरो में से जुड़ा जीरो जोड़ा जीरो हो गया और इसका भी जीरो। अब पांच और छह जोड़ दे कितना हो गया ग्यारह, ग्यारह का एक और आशी ग्यारह का देगी, चार और एक पांच और एक छह, यानी कि मोहन ने 4500 और 1600 खर्च किए हैं, वो जोड़ दिए वो कुल हो गए 6100 रुपए। अब यहाँ लिखेंगे मोहन के पास कुल कितने रुपए थे, लिखेंगे 10000 रुपए, 10000 रुपए थे। अब जो खर्च किए हैं वो यहाँ लिख दें कितने के थे, 6100 रुपए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर है पांच अंकों वाली संख्या है और नीचे है चार अंकों वाली संख्या, तो उतारते समय आप ध्यान रखेंगे इकाई के नीचे इकाई का जीरो जीरो एक और छह। अब यहां पर आप इसको घटा सकते हैं। अब देखिए शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से शून्य गया जीरो, अब यहां पर कितने हैं, जीरो में से एक नहीं जाता है तो क्या करेंगे, यहां से एक हासिल लेंगे, मान लीजिए जीरो है एक घटाना है तो नहीं जाता है, तो यहां से एक हासिल लिए कितना हो गए, दस, दस हो गए, दस में से किया तो यहां पर रह जाएंगे नौ। अब यहां पर शून्य था, शून्य में से इसको एक उधार देना था तो इसके पास नहीं था, तो यहां पर इसने यहां से हासिल लिख दी, यहां हो गए दस, दस में से एक कम हो गया नौ रहे, और नौ में से आप छह घटाएंगे तो कितने रहे तीन। अब देखिए यहां पर इसका उत्तर आया 3900, तो बताओ अब उसके पास कितने रुपए खर्च किए, तो अपन ने मोहन ने जो खर्च किए वो जोड़ दिए और जो उसके पास कुल रुपए थे उसमें से वो घटा दिए। अब उसके पास कितने रुपए शेष थे, तो उसके पास सब शेष लिखेंगे, शेष रुपए शेष बराबर 3900 रुपए। अब जो है उसके पास शेष कितने रहे 3900 रुपए। जो आप ऐसे सवाल आते हैं तो देखिए इसके अंदर के इस सवाल के अंदर जोड़ हुआ और बाकी भी हुई, और भी ऐसे सवाल हैं जिसके अंदर जोड़ भी होता है और बाकी भी होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सवाल को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना है उसके बाद हल करना है। अब इसके जैसे और पाठ्य पुस्तक में सवाल है वो आपको हल करने का अभ्यास करना है। आज अपन इस वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, अब इससे आगे जो है वो अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।